हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, हर रोज़ 24 घंटे पूरी ज़िंदगी कैसे मोटिवेटेड रह सकें, क्यों रहना है मोटिवेटेड हमेशा। ज़िंदगी चेंज है, बदलाव है। मोटिवेटेड शब्द आता है मोटिव से। मोटिव मतलब कुछ करने का इंटेंशन। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है तो आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कुछ और रह सकते हैं, वो भी एक तरह का मोटिव है। डिस्टर्ब्ड, शायद आप ये पूछ रहे हैं मैं डिस्टर्ब्ड कैसे न रहूं, मैं कैसे पीसफुल रहूं, यही पूछ रहे हैं। या ये पूछ रहे हैं कि आप हमेशा अग्रेसिव और मोटिवेटेड एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तब आपके लिए विवेक भाई हैं, बिंद्रा जी वो धक्का मारेंगे आपको, या संदीप जी। यहाँ तो आपको मिलेगा क्लैरिटी और डेप्थ, और गहरे जाएंगे तो पीस। सबसे पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ की वजह से डीमोटिवेटेड हैं। यूजुअली ऐसा होता है, हम कुछ गोल्स बनाते हैं और वो गोल्स या तो बहुत छोटे होते हैं या तो बहुत बड़े होते हैं, और दोनों ही कंडीशंस में हमको वो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। यूजुअली वो बहुत बड़े गोल्स होते हैं, हम दूसरों को देख करके ले लेते हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने गोल्स को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करें। इसीलिए मैंने अब BDM में एक पूरी की पूरी नई सीरीज़ चालू की है, रिव्यू सीरीज़। इतनी नई चीज़ है, हमने पहली बार ये रियलाइज़ किया कि किस तरह से एप्पल ने वो चीज़ खोजी जो माइक लैज़रस ने, ब्लैकबेरी ने मिस कर दी, रिव्यू। उससे भी इम्पॉर्टेंट, अपने प्रोग्रेस को, जो भी आपने एक्टिविटीज़ करने का प्लान किया है वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी स्पीड क्या है। जब तक अपने प्रोग्रेस को और अपने गोल्स को रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी देखते हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तब भी आप कुछ करते हैं, आप करते हैं गिव अप। ध्यान से देखिए, डीमोटिवेशन में आपका माइंड और बॉडी क्या बोलता है, कुछ नहीं करना, मेरे बस का नहीं है, आई गिव अप। इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पर, टाइम टाइम पर नए नए गोल्स बनाने होंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो गोल्स कितने छोटे हैं, लेकिन इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि वो गोल्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए माँ बाप ABCD सिखाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस समय आपको कोई बहुत छोटी चीज़ सीखनी पड़ रही है किसी बड़े गोल के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम लोगों को लगता है कि जब हम कोई बड़ा काम करेंगे तभी करेंगे, छोटा काम हमको पसंद नहीं आता। कहीं ना कहीं हमारे गोल्स हमारे ईगो में से निकल के आते हैं, हमारे अहंकार में से, और यूजुअली ऐसे गोल्स हमेशा ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अपने गोल सेटिंग को चालू कर दीजिए रेगुलर बेसिस पर, और देखिए उन छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को जो आप करने वाले हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ की वजह से मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, और वो है मोमेंटम ख़त्म होना, स्पीड ख़त्म होना। किसी काम को किया, दो दिन किया, तीसरे दिन बंद कर दिया, चौथे दिन टाल दिया, पांचवें दिन से उसको छोड़ दिया, इसको बोलते हैं एंडिंग ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम ख़त्म होना। उसको बरकरार रखना है। आप कहेंगे सर मैं तो मोमेंटम आपसे चाहता हूँ, पहले आपसे मोटिवेशन चाहता हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं मोमेंटम रखो, मोटिवेटेड रहो। नहीं, मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक में क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं रोड खाली होती है तो स्पीड में चलाते हैं, लेकिन रोड अगर भरी होती है तो क्या करते हैं, बंद करके पार तो नहीं कर देते गाड़ी बीच रास्ते पे, धीरे धीरे चलाते हैं। इसलिए अपने एक्टिविटीज़ को बंद मत करिए, चाहे कितना भी स्लो हो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सही करिए ज़रूर, और उस चीज़ के लिए अपने आप को शाबाश करिए। ये ध्यान रखिएगा, हर रोज़ आप कुछ करें चाहे ना करें, आप रास्ते पे हैं, आपके आगे और आपके पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा चलना है। कौन है आपकी गाड़ियाँ? आपके बच्चे, आपके परिवार, ऐसे सारे लोग जो आपको देख करके, आपको पता भी नहीं है, आपको देख करके बहुत से लोग मोटिवेटेड होते हैं। कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं और उस प्रोसेस में वो पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। उनको एहसास भी नहीं रहा होगा कृष्ण को कि ये जो मैं कह रहा हूँ गीता में, वो पूरी दुनिया को आने वाली हज़ारों साल तक पब्लिक उसको देखेगी और सीखेगी। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि आप किसी और के लिए मोटिवेशन नहीं है। धीरे धीरे कछुए की चाल में चलिए, लेकिन चलिए ज़रूर। जब रोड पे चलेंगे तो बहुत बार मिट्टी लग जाती है, कीचड़ लग जाता है, धूल धक्कड़ लग जाता है, ऐसे ही धूल धक्कड़ होता है कंपैरिजन। अचानक से हमारा माइंड अनकॉन्शियसली ही जैसे लोगों को देखेगा और उनके साथ हमको कंपेयर करना शुरू कर देगा, और वही कंपैरिजन है ब्रेक। हम में से ज़्यादातर लोग अपने एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और जैसे ही किसी और के साथ स्टार्ट हुआ, जेलसी ख़त्म, ब्रेक लग गया। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन
फल की चिंता मत करो। और यहाँ पर जैसे ही आप किसी और को देखते हैं अपने कंपैरिजन में, आपको क्या पता कि वो आपसे पीछे हो। हो सकता है उसके पास आपसे बेहतर गाड़ी, घर, पैसा सब कुछ हो, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट आपसे पीछे हो। बहुत अच्छा कोटेशन लगता है मुझे वॉरेन बफेट का। कहते हैं आज से 500 साल पहले जो राजा महाराजा थे उनसे भी अच्छी लाइफ आज हम लोग जी रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो ये चीज़ जान जाइए कि जिस किसी को देख करके आप कंपैरिजन कर रहे हैं और डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्या पता वो आपसे और ख़राब कंडीशन में हो। लेकिन उस मोमेंट को यूज़ करके अपने ब्रेन में ब्रेक मत लगने दीजिए। अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो आपके पास ग्रोथ नहीं होगा, अगर आपके पास मेंटर नहीं है तो आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन गुरु और शिष्य की परंपरा को चलने दो। आपके पास कोई गुरु है? हमारे हर एक कोर्स के गुरु हैं। हमारे जिनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में पीजे सहर जी, कृष्णमूर्ति, बुद्ध, कृष्ण, ऐसे लोग हैं। हमारे इन्वेस्टिंग में वॉरेन बफेट जैसे गुरुज हैं। हमारे बीडीएम में डैनियल कानेमैन जैसे गुरुज हैं। आपके पास कोई मेंटर है या नहीं है? आपके पास मेंटर होना चाहिए। उस मेंटर को हर रोज़ स्टडी करिए, उसके बारे में पढ़िए। वो आपके लिए वो दिए का काम करेगा। कहानी थी ना बीरबल की खिचड़ी, उसमें एक आदमी पानी के अंदर बैठा हुआ था और दूर दिया जल रहा था। ऐसे ही आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। उसको देख देख कर अपनी चाल रोज़ थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाइए। मेंटर इज मस्ट। लास्ट पॉइंट है दो तरह के एक्सरसाइजेस। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन करना ज़रूर है। छोटी छोटी एक्सरसाइज, बस आप आधे घंटे वॉक कर लीजिए। बहुत तेज़ मैं आपको पूरी जॉगिंग और पूरा वर्कआउट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिंपल एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा हूँ। जो बुद्ध खुद करते थे वो वॉक करते थे। आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े जितने भी मेडिटेटर्स हैं वो सब वॉक करते हैं। तो सिंपल सी वॉकिंग करिए, हर रोज़ करिए। और दूसरी एक्सरसाइज है अंदर की एक्सरसाइज। अंदर के साइलेंस की इम्पॉर्टेंस मत भूलिए। आपका सारा एनर्जी, सारा फ्रेशनेस कहाँ से आता है? आपके साइलेंस में से। इसलिए रोज़ जब भी आप डीमोटिवेटेड हो, इसकी चिंता मत करिए कब आएगा मोटिवेशन, बस अंदर जाइए। जाते जाते आपको आदत पड़ जाएगी। वो है आपका डेन। सही, शेर की गुफा होती है, ऐसे ही वो है आपकी गुफा, जिस गुफा में रमण महर्षि जाया करते थे, कृष्णमूर्ति जाया करते थे, कृष्ण जाया करते थे। वो आपके पास भी है। मोटिवेशन का अल्टीमेट एंटीडोट तो वही है। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो लाइक दबा दीजिए, ताकि YouTube बाबा इस वीडियो को ऊपर उठाएं। रेगुलर बेसिस पर अपने आप को कुछ सिखाइए। अलग अलग कोर्सेज हैं, आप WhatsApp करिए, मालूम करिए, आपके बजट के हिसाब से अपने कोर्स को ज्वाइन करिए और कुछ सीखिए। रोज़ कुछ सीखिए। बिना सीखे माइंड डल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है। और बात करते हैं।